कैपिटल्स का लेक्चर नंबर 18। प्रदीप फंडामेंटल बुक के हम न्यूमेरिकल कर रहे थे। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, टाइप ए। व्हेन इलेक्ट्रॉन इक्वल टू अवोगाड्रो नंबर आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन कंडक्टर टू अनदर। देखो जैसा क्वेश्चन में कह रहा है ना, पहले इतना कर लेते हैं सॉल्यूशन। एक कंडक्टर हमारा ये ए है, ये दूसरा कंडक्टर है हमारे पास बी है ना। ऐसे बना लो या ऐसे ना लो कि एक कंडक्टिंग प्लेट है हमारे पास, चलो कंडक्टर ही बना लेते, कंडक्टर ही कह रहा था। ये कंडक्टर ए, ये कंडक्टर बी। इस कंडक्टर में से इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर हुए। व्हेन इलेक्ट्रॉन इक्वल टू अवोगाड्रो नंबर आर ट्रांसफर फ्रॉम वन कंडक्टर टू अनदर। कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर हुए हैं एन, वो अवोगाड्रो नंबर के बराबर हुए हैं 6.023 10 की पावर 23। कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं, कितने इलेक्ट्रॉन। देखो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकले हैं तो इस पर क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव। ये कंडक्टर ए है, ये कंडक्टर बी है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है और इस पर नेगेटिव चार्ज है। तो इस पर कितना पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो क्यू बराबर प्लस का एन। और इस पर कितना नेगेटिव चार्ज आएगा, तो क्यू बराबर माइनस का एन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10^6 वोल्ट अपीयर बिटवीन देम। देखो जब पॉजिटिव चार्ज हो गया तो जब चार्ज पॉजिटिव होता है तो पोटेंशियल भी पॉजिटिव होता है, और चार्ज नेगेटिव होता है तो पोटेंशियल भी नेगेटिव होता है। पॉजिटिव चार्ज को हाई पोटेंशियल बोलते हैं, नेगेटिव चार्ज को लो पोटेंशियल बोलते हैं। तो इन दोनों कंडक्टरों के बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस अगर हुआ वी, ये वी का नाम क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस या बिटवीन द टू कंडक्टर, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू कंडक्टर्स ए एंड बी कितना डेवलप हुआ है, 10^6 वोल्ट। फिर क्या था, कैलकुलेट द कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम ऑफ टू कंडक्टर, इस सिस्टम की कैपेसिटी पूछ रहा है। तो ये तो कैपेसिटर नहीं है, इन दोनों कंडक्टरों पर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आया और नेट चार्ज पूरे अर्जेंट पूरे सिस्टम पर नेट चार्ज कितना है, जीरो। ये कैपेसिटर बन गया, और कैपेसिटर बना तो कैपेसिटर का जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव कंडक्टर पर जो चार्ज होता है उसे बोलते हैं चार्ज ऑन कैपेसिटर। नेट चार्ज ऑन कैपेसिटर तो जीरो होता है, लेकिन कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर, कैपेसिटी पूछ रहा है कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम, तो कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम सी इज इक्वल टू क्यू ओवर वी। इसे बोल सकते हो चार्ज ऑन कंडक्टर, और नीचे लिख सकते हो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू कंडक्टर्स। जब कैपेसिटर बनता है तो उसके जो पॉजिटिव प्लेट पे जो चार्ज होता है उस चार्ज को हम चार्ज ऑन कैपेसिटर बोलते हैं। तो चार्ज ऑन कैपेसिटर पॉजिटिव प्लेट पर हुआ है। अब सॉल्व कर दो, क्यू बराबर कितना, एन इंटू ई डिवाइडेड बाई पोटेंशियल डिफरेंस। एन कितना है हमारा 6.023 10 की पावर 23, और ई की वैल्यू कितनी होती है 1.6 10 की पावर माइनस के 19, और वी की वैल्यू कितनी रखी है 10 की पावर 6। इसे आप सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करने पर ये आएगा 9.637 10 की पावर माइनस के 2 फैरड। सॉल्व कर लेना भाई, कैलकुलेशन करना आपका काम। ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 4 था। ठीक, चलो दूसरा क्वेश्चन जो मेरे से पूछा गया है उसको बताते हैं। देखो ये क्वेश्चन लिखा टू, ये क्वेश्चन नंबर आपका 58 है, 58 क्वेश्चन है ये। टू कैपेसिटर्स ऑफ 25 माइक्रोफैड एंड 100 माइक्रोफैड आर कनेक्टेड इन सीरीज टू अ सोर्स ऑफ 120 वोल्ट। देखो जैसा क्वेश्चन कह रहा है पहले उतना करिए, डायग्राम बनाइए, जो कह रहा है वो करिए। तो दो कैपेसिटर 25 माइक्रोफैड 100 माइक्रोफैड आर कनेक्टेड इन सीरीज टू अ सोर्स 120 वोल्ट, तो कनेक्ट कर दीजिए। दो कैपेसिटर है एक और ये दो, एक का C1 है 25 माइक्रोफैड और C2 है 100 माइक्रोफैड, सीरीज में कनेक्ट करने हैं किसी सोर्स से, तो कनेक्ट कर दिया। ये V है और ये 120 वोल्ट है, ये टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होता है भाई, है ना ऐसे। ये सीरीज में है तो ये प्लस आएगा देखो इससे, और इससे माइनस चार्ज चलेगा, ये टोटल चार्ज होता है। जब यहाँ चलेगा तो इस कैपेसिटर को चार्ज क्यू मिलेगा, ये माइनस, इसको भी क्यू मिलेगा, ये प्लस, और जितना चला उतना वापस आ गया। ठीक है, चलिए
इतना कहने के बाद कहा है कीपिंग देयर चार्जेस अनचेंज, तो इस कैपेसिटर पर देखो बैटरी लगाने से क्या हुआ, ये दोनों कैपेसिटर चार्ज हो गए, ये सेल या बैटरी लगा ली 120 वोल्ट का जो सोर्स लगाया इसने कैपेसिटर को चार्ज कर दिया, इस कैपेसिटर पर कितना चार्ज आया क्यू, इस कैपेसिटर पर कितना चार्ज आया क्यू, तो इस क्यू की वैल्यू कैसे निकालो, देखो क्यू टोटल चार्ज के बराबर ही तो है, अगर हम टोटल चार्ज निकाल लें तो इस कैपेसिटर पर कितना चार्ज है, इस कैपेसिटर पर कितना चार्ज है वो फाइंड आउट हो जाएगा, तो हमारे पास टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है, टोटल चार्ज निकालना है तो टोटल कैपेसिटेंस चाहिए क्यू बराबर सी वी, जब इस फॉर्मूले का यूज करते हैं तो टोटल चार्ज लिख रहे हैं तो टोटल कैपेसिटेंस लिखेंगे, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस लिखेंगे, ठीक है, तो टोटल कैपेसिटेंस निकाल लेते हैं, तो सी वन एंड सी टू आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, और सीरीज कॉम्बिनेशन में तो वन अपॉन सी इक्वल टू सी सीरीज है इसलिए सी एस लिखता हूँ, सी वन 25 है और सी टू है 100, यहाँ से 100 एलसीएम ले लिया, ये चार हो गया और ये एक, तो 5/100 तो 5 से कट गया 20 बार, तो सी सीरीज आया आपका, ये टोटल कैपेसिटेंस आ गया सीरीज कॉम्बिनेशन करने पर 20 माइक्रोफ़ारड, है ना। अब कह रहा है कि देयर आर सेपरेटेड, इनके चार्ज इस पे चार्ज क्यों आ गया, इस पे सॉरी चार्ज निकालने पहले टोटल चार्ज निकालें, एंड टोटल चार्ज निकालें, टोटल चार्ज क्यू बराबर टोटल कैपेसिटेंस टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, तो टोटल कैपेसिटेंस कितना है आपका, टोटल कैपेसिटेंस इनटू टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, टोटली चार्ज टोटली कैपेसिटेंस टोटली पोटेंशियल डिफरेंस, तो टोटल कैपेसिटेंस को 20 माइक्रोफैरड है और टोटल वोल्टेज 120 है, तो ये आ गया 24.0 माइक्रो कूलम्ब, कितना टोटल चार्ज आ गया, देन चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर कितना आ गया 24 माइक्रो कूलम्ब, क्योंकि ये टोटल चार्ज निकला, इतना ही चार्ज इसमें आ रहा है, देखो चार्ज चला डिवाइड हुआ नहीं, क्योंकि उस कैपेसिटर को कितना चार्ज मिला क्यों, इसको भी कितना मिला क्यों, तो दोनों कैपेसिटर पर सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज सेम होता है, तो 2400 माइक्रो कूलम्ब चार्ज दोनों कैपेसिटर पर आ गया। अब क्या कह रहा है कि दे आर सेपरेटेड एंड कनेक्टेड इन पैरेलल, अब इन दोनों को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेकिन यहां पर कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दे आर सेपरेटेड, पहले सेपरेट किए और फिर कनेक्टेड इन पैरेलल टू चला, है ना, तो पहले सेपरेट कर लिए, एक कैपेसिटर ये दूसरा कैपेसिटर, इस पर पॉजिटिव चार्ज है इस पर नेगेटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव चार्ज इस पर नेगेटिव चार्ज, इस पर कितना चार्ज है क्यू, इस पर कितना चार्ज है क्यू, ये कैपेसिटर सी वन ही है सी टू, एंड इनको कनेक्ट कर दिया आप पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये सी वन और ये सी ऐसे पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कर दिया, ये मैंने वी पैरेलल मान लिया या वी टू मान लिया या वी डैश मान लिया, ठीक है, तो फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस, फाइंड आउट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट ऑफ ईच कैपेसिटर, मुझे टोटल पोटेंशियल डिफरेंस हो गया इस केस के लिए, इस केस के लिए, इस वाले केस के लिए, दूसरे केस के लिए टोटल पोटेंशियल हो गया इस केस के लिए, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगे हुए हैं, ये प्लस ये माइनस ये प्लस ये माइनस, तो यहां से कितना चार्ज चलेगा पता है 2q, टू क्यू का चार्ज कैसे चला, इन दोनों कैपेसिटर पर टोटल चार्ज कितना है, टोटल चार्ज ऑन बोथ कैपेसिटर, टोटल चार्ज ऑन बोथ कैपेसिटर, इस पर भी क्यू है इस पर भी क्यू है तो 2q हो गया, यहां से 2q चार्ज चलेगा ऐसे, ठीक है, ये टोटल चार्ज हो गया, ये टोटल चार्ज हम बहुत, ठीक है, तो इसे हम टोटल चार्ज कह देते हैं, इसे मैं लैड कर देता हूँ क्यू डैश, तो क्यू डैश मान लिया हमने इसे क्यू डैश इज इक्वल टू 2q, तो क्यू डैश आ गया हमारा 2 × 2400, दैट मीन्स 4800 माइक्रो कूलम्ब, ठीक है, अच्छा, अब कह रहा है कि फाइंड आउट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ईच कैपेसिटर,
तो इस कैपेसिटी, ये तो इस कैपेसिटी का पोटेंशियल फिर इस कैपेसिटी का पोटेंशियल फिर इसके बराबर ही होगा, v डैश इसका भी और v डैश इसका, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है और पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल भी सेम होते हैं। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस v डैश अगर फाइंड आउट करना है, और v डैश का नाम क्या है, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, और इसका नाम क्या है, टोटल चार्ज। तो टोटल चार्ज हमें पता है, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है, कैसे निकाले टोटल कैपेसिटेंस निकालने। अब ये किस कॉम्बिनेशन में है, सीरीज का कॉम्बिनेशन में या पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो अब ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो टोटल कैपेसिटेंस निकालें, टोटल कैपेसिटेंस निकालें, तो टोटल कैपेसिटेंस ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो टोटल कैपेसिटेंस सी पैरेलल मान लेते हैं, सी वन प्लस सी टू, तो सी वन तो 25 और सी टू 100 है, तो कितना हो जाएगा 25 प्लस 100, तो 125 माइक्रो है ना। सो देन टोटल चार्ज बराबर टोटल कैपेसिटेंस और टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, टोटल लिखा है सारा चीज, टोटल कैपेसिटेंस लिखा है, टोटल चार्ज लिखा है, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस लिखा है, ठीक है। तो टोटल चार्ज की वैल्यू देखो ये कितनी है 4800 माइक्रो कूलम, और टोटल कैपेसिटेंस कितना है 125 माइक्रो फैरड, तो माइक्रो कूलम 10 की पावर माइनस 6 करेंगे, 10 की पावर माइनस 6 करेंगे, कट कैंसिल हो जाएगा, तो माइक्रो से माइक्रो कटेगा वी डैश, तो वी डैश की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 4800 / 125 है ना। देखो 25 से ये 48, देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, 48 लिख रहे हैं और ये 100 लिख रहे हैं और नीचे 125, 25 से ये चार बार काट दिया और 25 से ये पांच बार कट गया है ना, और पांच का इसमें डिवाइड कर देंगे, तो 5 का 48 में डिवाइड करेंगे तो 9 है ना, 45 यहाँ 3 पॉइंट लगा देंगे 6, तो 3 इसका इसमें डिवाइड किया तो 3 9.6 आया इंटू 4, 4 का मल्टीप्लाई करने 9.6 में, 9.6 में 4 का मल्टीप्लाई 4 + 2 = 36 और 2 = 38 है ना, तो ये आंसर आ रहा है 38.4, तो 38.4 वोल्ट है ना, कितना। तो देखो इसके अक्रॉस देखो ये वीडियस फाइंड आउट हो गया टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये दोनों पैरेलल में, तो इसके और दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ 38.4, तो हम इसे लिख सकते हैं इसका आंसर पहले वाले पार्ट का कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर कितना 38.4, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर होता है, क्योंकि वो पैरेलल कॉम्बिनेशन है C1 C2, तो ये टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है, तो जितना इसका टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है उतना इन दोनों का होगा, इसलिए 38.4 वोल्ट, ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में देखो हमसे क्या पूछा है, सेकंड पार्ट देखते हैं, सेकंड पार्ट में क्या करवा रहा है, सेकंड पार्ट एनर्जी लॉस इन द प्रोसेस, देखो इससे ये इनिशियल हो गया ये फाइनल हो गया, तो इसमें कितनी एनर्जी थी और इसमें कितनी एनर्जी थी, ये सीरीज कॉम्बिनेशन में था तो यू एस लिख लेते हैं इसे 1/2 टोटल पोटेंशियल डिफरेंस मालूम है हमारे पास 120 वोल्ट है और टोटल चार्ज भी मालूम है, ये टोटल चार्ज था, ये टोटल चार्ज था भाई, देखो टोटल चार्ज क्यों था, और टोटल चार्ज मालूम, टोटल कैपेसिटेंस भी मालूम है, टोटल कैपेसिटेंस कितना है 20 माइक्रोफैरड, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस भी मालूम है कितना, तो मैं टोटल पोटेंशियल डिफरेंस से कर देता हूँ, सी सीरीज टोटल एनर्जी लिख रहे हैं पूरे सिस्टम की, पूरे सिस्टम की टोटल एनर्जी, तो टोटल पूरे सिस्टम का टोटल कैपेसिटेंस कितना, सी सीरीज 20 माइक्रोफैरड और टोटल पूरे सिस्टम का टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना वी, तो वी स्क्वायर, ये तो इनिशियल हो गया, इनिशियल एनर्जी हो गई सिस्टम की है ना, एंड द फाइनल एनर्जी को सिस्टम की लिखे हैं यूपी, पैरेलल कॉम्बिनेशन में कर रहे हैं इसीलिए, तो पूरे सिस्टम का लिख रहे हैं, तो 1/2 पूरे सिस्टम का पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैपेसिटेंस कितना है 125 माइक्रोफैरड और टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है वी डैश, तो वी डैश का स्क्वायर है ना, ये टोटल हो गया है ना, तो एनर्जी किसकी ज्यादा है, एनर्जी लॉस ऑफ एनर्जी कह रहा है इन दिस प्रोसेस, तो ये ज्यादा हो ये कम हो, तो क्या करना पड़ेगा, लॉस ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ एनर्जी लॉस इन दिस प्रोसेस, ये पूछ रहा है एनर्जी लॉस इन दिस
प्रोसेस। तो U डेल्टा U बराबर यू एस माइनस U। भाई लॉर्ड एनर्जी लॉस कह रहा है तो ये ज्यादा होनी चाहिए कम होनी चाहिए, पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए। यूएस में से यूपी घटाएंगे ये ज्यादा हुआ ये कम हुआ तो पॉजिटिव आएगा तो एनर्जी लॉस होगा। तो यूएस कितना है, तो एक बटे दो सी एस वी का स्क्वायर माइनस एक बटे दो सी वी वी डैश का स्क्वायर। देखो सी एस की वैल्यू तो 20 माइक्रोफैरड है ना, देखो ये भी उठा देता हूँ यहाँ से, और सी एस की वैल्यू देखो कितनी है 20 माइक्रोफैरड निकालने वाला हूँ 20 माइक्रोफैरड ठीक है। तो देखो इसमें से एक बटे दो कॉमन ले लो पहले तो, और सी एस की वैल्यू 20 माइक्रोफैरड तो 20 इंटू 10 की पावर माइनस सिक्स माइक्रोफैरड को फैरड में चेंज किया। ऐसा इसलिए क्यों किया क्योंकि वी का स्क्वायर है यहाँ पे है ना, वी 120 तो 120 का स्क्वायर माइनस सी बी 125 माइक्रोफैरड 125 इंटू 10 की पावर माइनस के 6 सी पी की वैल्यू पुट करेंगे ये उठा देता हूँ ठीक है समझ में आया। और वी डैश टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस था वी डैश की वैल्यू आ रही है आपकी देखो अगर इसमें हम पॉइंटों में ना लिखना चाहें तो 48 तो ये है ऊपर और नीचे 4 है और डिवाइडेड बाई 5 है भाई, इसको सॉल्व करने पर जो ये आया था 48 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 5 48 का मल्टीप्लाई आपने 5 का इसमें डिवाइड कर दिया था फिर 4 का मल्टीप्लाई किया तभी तो ये वैल्यू आई थी। अब पॉइंटों में नहीं लिखना चाहते इसीलिए इसे लिख लेते हैं 48 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 4 उसका पूरे का और उसका ये देखो इसे आप सॉल्व कर लो इसे आपको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है तो ये लॉस ऑफ एनर्जी निकल जाएगी डेल्टा ये, अब इसे सॉल्व करना पड़ेगा बेटा ठीक है। तो आप इसे सॉल्व करके देखिए, आप सॉल्व करके देखिए इसको बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा जूल, बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा जूल है ना, चेक करके देखिए समझ में आया आपको ये क्वेश्चन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखो ये क्वेश्चन नंबर 61 ये क्वेश्चन नंबर 61 है, देखते हैं क्या कह रहा है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड है E0 3 इंटू 10 पावर 4 वोल्ट पर मीटर इज स्टेबलाइज्ड बिटवीन द प्लेट्स इतने, तो जैसे कह रहा है उतना डायग्राम बना लेते हैं सॉल्यूशन। देखो केस फर्स्ट है ये कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये रहा थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं ऐसे, एक बिटवीन प्लेट्स के सॉरी माइनस आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड स्टेबलाइज किया है पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज होता है E0 एयर है यहां पे अभी कुछ भी कोई मीडियम नहीं एयर, तो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है 3 इंटू 10 की पावर 4 वोल्ट पर मीटर है ना, वोल्ट पर मीटर और प्लेट सेप्शन है डी 0.05 मीटर ऐसे ठीक है। फिर कह रहा है आफ्टर रिमूविंग द चार्जिंग बैटरी दैट मींस पहले बैटरी लगी हुई है ऐसे अच्छा, अब इस बैटरी को रिमूव कर दिया गया है बाद में है ना, पहले तो चलो वी लगा हुआ है एक बैटरी लगी हुई है आपका ये बैटरी लगी हुई है मान लो इसका पोटेंशियल डिफरेंस है वी, तो इस प्लेट का भी पोटेंशियल डिफरेंस वी ही होगा ठीक है। फिर कह रहा है आफ्टर रिमूविंग द चार्जिंग बैटरी एंड अनचार्ज मेटल प्लेट ऑफ थिकनेस इतना, ये सेकंड केस हो गया, इंसर्टेड बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट। फिर कह रहा है फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अगर द कैपेसिटर बिफोर, तो पहले कह रहा है मतलब इंसर्ट करने से पहले एंड आफ्टर द इंट्रोडक्शन द प्लेट्स और प्लेट को इंसर्ट करने के बाद पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है। तो देखो प्लेट पहले इंसर्ट नहीं करिए तो बिफोर इंसर्टिंग द प्लेट फर्स्ट केस कर रहे हैं, देखो फर्स्ट केस कर रहे हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर प्लेट्स वी बराबर E0 इंटू डी, पूरा एयर है तो एयर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड E0 है और प्लेट की सेपरेशन कितनी है डी, ये पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला। अगर आपको ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है तो पहले आप पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जब ने कैपेसिटेंस का फॉर्मूला ड्राइव किया है ना वहां पर जाके देखिए तो ये फॉर्मूला आपको दिखाई देगा। वैसे स्टैंडर्ड फॉर्मूला हुआ करता था ये
इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन डिस्टेंस, ये वाला, या आप ऐसे कह सकते हो ये वाला फॉर्मूला क्या था, हमने ऐसे पढ़ा था, E बराबर माइनस के डीवी ओवर डीआर, और ये फॉर्मूला तब वैलिड था जब E और डीआर के बीच में जो एंगल है वो जीरो डिग्री है, E और डीआर के बीच में जो एंगल है वो जीरो डिग्री है, ठीक है ना, समझ में आया था आपको ये, तो E बराबर कितना माइनस के डीवी ओवर डीआर, माइनस साइन ये इंडिकेट करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चलने पर पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल घटता है, बस माइनस साइन इंडिकेट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चलने पर पोटेंशियल घटता है, तो देखो इसका नाम है पोटेंशियल डिफरेंस, और जिन दो पॉइंटों का ये पोटेंशियल डिफरेंस है उन दोनों पॉइंटों के बीच की ये सेपरेशन है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इस फॉर्मूले को हम ऐसे लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन डिस्टेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू ई इनटू डिस्टेंस, तो इतना, ठीक है, तो ई की वैल्यू है हमारे पास, ई की वैल्यू है 3 इनटू 10 की पावर 4 और D की वैल्यू है 0.05, इसका मल्टीप्लाई कर लो तो 15 आएगा और पॉइंट लग रहा है तो 0.15 आएगा इनटू 10 की पावर 4, इसका सब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1500 वोल्ट आ गया, ऐसे है ना, ये फर्स्ट केस हो गया। अब सेकंड केस में क्या कह रहा है आपसे, सेकंड केस देख रहे हैं, आफ्टर रिमूविंग द चार्जिंग बैटरी, तो देखो चार्जिंग बैटरी को रिमूव करोगे, दैट मींस इस बैटरी को रिमूव करोगे तो चार्ज कैपेसिटर की जो प्लेट है चार्ज कांस्टेंट रहेगा, तो चार्ज तो कैपेसिटर की प्लेट पर कांस्टेंट रहेगा, जितना पहले था उतना ही रहेगा, है ना, ये प्लस 1 2 3 4 और ये 1 2 3 4, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है एयर में, है ना। अब इसमें क्या कहा गया है सेकेंड पार्ट में, कि अनचार्ज मेटल प्लेट ऑफ थिकनेस इतनी, इंपॉर्टेंट है मेटल प्लेट है, इस पर ध्यान दो, थिकनेस दे रखी है 0.01 मीटर, इसमें इंसर्ट कर दिया ये ऐसे, ये मेटल प्लेट रख दी हमने ऐसे, ये मेटल की प्लेट है, इस पर ध्यान देना है आपको, और इसकी जो थिकनेस है वो टी है और प्लेट सेक्शन तो डी है ये आपकी ऐसे, और टी की वैल्यू गिवन है आपको 0.01 मीटर, टी की वैल्यू गिवन है 0.01 मीटर, ठीक है। आगे देखें तो आगे जरा देखें, इसमें आप कह रहा है कि फिर पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ द प्लेट आप पोटेंशियल डिफरेंस पे पूछ रहा है, तो हमने प्लेट प्लेस कर दी लेकिन वो मेटल की है और मेटल का जो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो इनफाइनाइट होता है ना। अब पोटेंशियल डिफरेंस कैसे कारण, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर, अक्रॉस द कैपेसिटर, इस क्वेश्चन को करने से पहले आप इसका डेरिवेशन देखिए, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन डायलेक्ट्रिक मटेरियल इज पार्शली फिल्ड, इसका डेरिवेशन देखेंगे तो ये डेरिवेशन का जो पॉइंट है उसमें ये न्यूमेरिकल है आपका, ठीक है बेटा। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर V इज इक्वल टू, देखो पहले पूरे में इलेक्ट्रिक फील्ड एयर में था तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी एयर का लिया है, और पूरे इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों प्लेटों के बीच में कितनी डिस्टेंस में एयर है, तो डी डिस्टेंस में एयर है तो डी डिस्टेंस ली है, लेकिन यहां पर आपका पोटेंशियल डिफरेंस देख रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड एयर वाला पहले मल्टीप्लाइड कितनी डिस्टेंस में अब एयर है प्लेट पुट करने के बाद, तो कितनी डिस्टेंस में एयर है डी माइनस के टी डिस्टेंस में एयर है, प्लस मीडियम वाला इलेक्ट्रिक फील्ड और कितने डिस्टेंस में मीडियम है, तो मीडियम कौन है मेटल, तो मेटल टी डिस्टेंस में मेटल है भाई, डी माइनस के टी डिस्टेंस में एयर है और कितनी डिस्टेंस में मेटल है टी डिस्टेंस में मेटल है, तो एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड और ये मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड, तो एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमें दे रखा ही था कितना ई जीरो, तो एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमारे पास है ई जीरो डी माइनस के टी, और मीडियम का लिखे हैं तो देखो याद करो डेरिवेशन किया था, एयर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है क्यू ओवर एप्सिलॉन 0 ए, और मीडियम में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है क्यू ओवर एप्सिलॉन 0 ए के, लेकिन तभी होता है जब चार्ज कांस्टेंट रहे, तो चार्ज तो कांस्टेंट रहेगा क्योंकि बैटरी रिमूव कर देते हैं तो चार्ज कांस्टेंट रहता है, तो चार्ज तो कांस्टेंट रहेगा, तो चार्ज कांस्टेंट रखा है, तो इस जगह पर हम क्या लिख सकते हैं एयर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, और एयर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है कितना यहाँ पे ई जीरो,
तो आप लिख सकते हो E0 by K, है ना। तो E medium की वैल्यू है E0 by K into T, into कितना T। अब इसे सॉल्व कर लो, ये सेकंड पार्ट कर रहे हैं, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो अब इसे सॉल्व कर लो, तो देखो इसको सॉल्व करते हैं बेटा, हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो V इज इक्वल टू E0 की वैल्यू तो कितनी है हमारी, चलो अभी E0 लिख लेते हैं और इसे D माइनस के T लिख लेते हैं, प्लस ये E0। देखो ये मेटल की प्लेट है, इसके लिए K कितना इनफाइनाइट, तो ये इन्फिनिटी रखेंगे और ये T तो इन्फिनिटी का इसमें डिवाइड करेंगे तो ये वाला फैक्टर कितना हो जाएगा, जीरो। तो V इज इक्वल टू E0 की वैल्यू 3 × 10⁴, D की वैल्यू 0.05 और T की वैल्यू 0.01, है ना। और ये वाला पोर्सन हो गया जीरो, ये वाला पोर्सन हो गया जीरो, क्योंकि इन्फिनिटी का डिवाइड करेंगे तो जीरो। तो ये सॉल्व करने पर आ गया 3 × 10⁴ × 0.04, इसका मल्टीप्लाई करेगा तो 0.12 और 10⁴, तो 1200 वोल्ट आ जाएगा, ठीक। ये कुछ केस नंबर सेकंड हो गया। अब थर्ड केस में क्या कहा गया है कि व्हाट वुड बी द पोटेंशियल डिफरेंस इफ डायलेक्ट्रिक स्लैब के बराबर टू वेयर वर इंट्रोड्यूस इन द प्लेस ऑफ द मेटल प्लेट। तो इस मेटल प्लेट की जगह पर एक डायलेक्ट्रिक स्लैब बना दिया है ना, जिसका डायलेक्ट्रिक क्वेश्चन कितना है, 2 है। तो देखो यही क्वेश्चन है, यहां तक सेम लेके आइए यहां तक, और k की जगह पर 2 पुट कर दीजिए और सॉल्व कर लीजिए सेम टू सेम। ये थर्ड पार्ट में जब हम करेंगे, देखो मैं थर्ड पार्ट डिलीट करके यही कर देता हूँ साइड आपको, थर्ड केस में देखो मैं पहले ये मिटा दूँ, पहले ये मिटा दूँ तो ये मिटा दूँ, है ना। अब थर्ड केस क्या कह रहा है, थर्ड केस करना नहीं कुछ, बस थोड़ा सा चेंज करना है। थर्ड केस में क्या रहा है, कह रहा है कि ये आपकी पहले प्लेट का पिस्टन, ये प्लस आपका, ये माइनस का, ये जो प्लेट है ना आपकी, यहाँ पर जो मेटल की जो स्लैब इसमें इंसर्ट करी है, अब ये मेटल की नहीं है, अब ये डायलेक्ट्रिक मटेरियल की है, डायलेक्ट्रिक स्लैब है जिसका डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट 2 है, और वो थिकनेस तो सेम टू सेम है, थी दैट मीन्स 0.01, प्लेट सेक्शन भी वो इतनी ही है, कितनी डी, सब कुछ सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा। तो देखो यही रिजल्ट रहेगा, V इज इक्वल टू रहेगा E0 D माइनस के T प्लस E0 y k इनटू T, ये वाला उत्तर, ठीक है। लेकिन अब फर्क क्या आया, पहले मेटल का था तो डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट इनफाइनाइट होता है, इनफाइनाइट तो ये पूरा जीरो हो जाता है, लेकिन अब इंसुलेटर का है जिसका डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट कितना है, 2 है, तो अब कितना पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, ये थर्ड केस है आपका। तो सॉल्व कर लो बेटा, तो देखो V बराबर E0 की वैल्यू, देखो E0 D माइनस के T, ये यही तो रह गया था, ये तो जीरो हो गया था, इसकी वैल्यू तो 1200 आ रही थी, इसकी तो वैल्यू 1200, यार पुट कर लो यार 3 × 10⁴ और D की वैल्यू 0.05 माइनस इसकी वैल्यू 0.05 प्लस E0 की वैल्यू 3 × 10⁴ और T की वैल्यू 0.01 और K की वैल्यू 2, सॉल्व कर। तो V इज इक्वल टू, ये तो 0.04 हो गया और इसका से मल्टीप्लाई करें तो 1200 वोल्ट हो गया, प्लस 2 से ये कट गया 1.5 बार, और देखो 1.5 हो गया और ये इससे कितना हो गया 10⁴, तो 1.5 और 10⁴ दैट मींस 100, इसका से मल्टीप्लाई करें तो 1200 और प्लस 150, तो ये 1350 वोल्ट आ गया भाई पोटेंशियल। तो समझ में आया आपको, ठीक है, क्लियर है। अगर ये क्लियर नहीं हो रहा हो तो इसके लिए देखिए कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का डेरिवेशन, व्हेन जब डायलेक्ट्रिक स्लैब पार्शियली फिल्ड करते हैं, उस डेरिवेशन में ही ये पॉइंट नजर आएगा आपको, ये वाला समझ में आपको, बाकी का चीज मैंने समझाई दिया कैसे करना है आपको। ये क्वेश्चन नंबर आपका 61 है, फिर मेरे से पूछा गया क्वेश्चन नंबर 62, उसे मैं लिखता हूं अभी। देखो मैं क्वेश्चन लिखा, ये क्वेश्चन है आपका 62, ठीक है, कौन सा क्वेश्चन है 62 प्रदीप बुक। तो क्या कह रहा है, टू सर्कुलर प्लेट ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आर 8 सेंटीमीटर डायमीटर, सर्कुलर प्लेट है जिसका डायमीटर है ये 8 सेंटीमीटर, तो देखो ये एक सर्कुलर प्लेट नाम कैसे, इसका डायमीटर अगर 8 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितनी होगी, इसकी रेडियस कितनी होगी, रेडियस
रेडियस होगी 4 सेंटीमीटर भाई, डायमीटर 1 सेंटीमीटर तो रेडियस 4 सेंटीमीटर, तो रेडियस ले सकते हैं 4 इंटू 10 की पावर माइनस के 2 मीटर। एरिया ऑफ ईच प्लेट, एरिया ऑफ यहाँ से ईच प्लेट का एरिया निकाल सकते हैं, ए बराबर पाई आर स्क्वायर, सर्कुलर प्लेट है ना तो पाई की वैल्यू 22/7 या 3.14 ले सकते हो, 3.14, और आर की वैल्यू 4 इंटू 10 की पावर माइनस के 2 इसका और स्क्वायर, तो 3.14 इंटू 16 इंटू 10 की पावर माइनस के 4 मीटर स्क्वायर। ठीक है भाई, ये आपका एरिया ऑफ द प्लेट आ गया। ऐसे एक प्लेट यहाँ पर रख के आपकी ऐसे, इसकी जो प्लेट सेपरेशन है डी, ये एक प्लेट है ऐसे रखी है ऐसे, ठीक है ऐसे नहीं रखी, ऐसे प्लेट है, ठीक है सर्कुलर प्लेट ले ली ऐसे, क्लियर है भाई? ठीक है, ये प्लेट सेपरेशन कितनी रखी है 15 मिलीमीटर, तो डी रखता है 15 मिलीमीटर, इसे चेंज करेंगे तो 15 इंटू 10 की पावर माइनस का 3 मीटर, तो 0.015 मीटर। ठीक है, एंड इवोनाइट प्लेट, तो इसमें एक इवोनाइट प्लेट रखी गई है, ये इवोनाइट प्लेट है, ये कौन सी प्लेट है, इवोनाइट प्लेट रखी गई जिसकी थिकनेस रखी है टी, वो रखी है 0.5 सेंटीमीटर, तो टी रखा है भाई 0.5 सेंटीमीटर, से भी चेंज करो मीटर में, 10 की पावर माइनस के 2 मीटर, तो 0.005 मीटर, ऐसे तो कम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि कैलकुलेट इट्स कैपेसिटी, तो एवोनाइट क्या होता है, इंसुलेटर होता है, और इसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट दे रखा है हमें 2.5, ये जो 2.5 दे रखा है लास्ट में, एसी का एवोनाइट का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट दे रखा है, कैपेसिटी पूछ रहा है, इसको फॉर्मूला लगा दो, सी इज इक्वल टू होता है एप्सिलॉन 0 ए डिवाइडेड बाय डी माइनस के टी प्लस टी ओवर के, ये फॉर्मूला होता है पैलपिट कैपेसिटी का, जब पासली फील्ड हो वैल्यू पुट कर सॉल्व करना है, सी एप्सिलॉन 0 की वैल्यू 8.85 10 की पावर माइनस के 12, एरिया की वैल्यू 3.14 इंटू 16 इंटू 10 की पावर माइनस के 4, एरिया ऑफ ईच प्लेट 3.14 16 इंटू 10 की पावर माइनस के 4। ठीक है, डी माइनस के टी, डी की वैल्यू 0.015 मीटर में, माइनस के टी 0.005 ठीक है वैल्यू, प्लस 0.005 डिवाइडेड बाय 2.5, इसे आप सॉल्व कर लीजिए पूरे को, 100% आंसर सही आएगा फर्ड में, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, सॉल्व तो आपको करना पड़ेगा, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करूंगा बेटा, सॉल्व कर लीजिए बिल्कुल करेक्ट आएगा। अब क्या इफ द प्लेट वर कॉपर, अगर ये इस ये जो प्लेट है ना एवोनाइट की जो प्लेट है इसको रिप्लेस करके इसकी जगह पे कौन आ जाए कॉपर, तो कॉपर क्या होता है कंडक्टर होता है, कॉपर क्या होता है कंडक्टर, मेटल होता है ना, दैट मींस मेटल, और मेटल के लिए डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, ये वाला फॉर्मूला फिर दोबारा से लगा दो, सी बराबर एप्सिलॉन 0 ए d माइनस के t प्लस t ओवर k, k कितना इनफिनिटी, k इनफिनिट, जो ये वाला क्वेश्चन जीरो हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट a डिवाइडेड बाय d माइनस के t, फिर वैल्यू पुट कर दो, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 10 की पावर माइनस के 12, और a की वैल्यू 3.14 इंटू 16 इंटू 10 की पावर कितनी है माइनस के 4, माइनस के 4, और डिवाइडेड बाई डी की वैल्यू 0.015 और टी की वैल्यू 0.005, इसे सॉल्व कर लो, फिर सी सॉल्व करोगे तो फिर अगेन फर्ड में आएंगे, इसका ये सेकंड पार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 62, है ना 62 क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं 64, एक क्वेश्चन नंबर 64 है आपका, 64 क्वेश्चन नंबर 64 पढ़ते हैं, जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसे कर चले जाइए। द एरिया ऑफ पैलपेट कैपेसिटर ऑफ एन एयर कैपेसिटर 0.2 मीटर, तो सॉल्यूशन शुरू करते हैं, एक पैलपेट कैपेसिटर है ये ऐसे, देख लेते हैं डायग्राम में आ रहा है कि वीडियो में आ रहा है, यहाँ तक हो गया ठीक है, इसके नीचे नहीं आ रहा बिल्कुल भी, थोड़ा सा चलो यहाँ नहीं करता, यहाँ डायग्राम से क्वेश्चन नहीं आ जाता,
एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है ऐसे, है ना, और इसकी जो प्लेट सेक्शन है डी वो 0.01 मीटर, 0.01 मीटर, चलो डी लिखता हूँ यार, ये डी है और डी की वैल्यू कितने है 0.01 मीटर, ये डिस्टेंस बिटवीन दैम 0.01 मीटर। प्लेट का एरिया कितना है, एंड प्लेट का एरिया ए है 0.2 मीटर स्क्वायर, अभी इसमें एयर है, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है इसमें बिटवीन द प्लेट्स, तो ये पॉजिटिव चार्ज ये नेगेटिव चार्ज, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना है इसका प्लेट का, ये पोटेंशियल डिफरेंस है भी 3 AR, क्या लिख दो कि ये पॉजिटिव पोटेंशियल होगा और ये नेगेटिव पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स क्या, बिटवीन द प्लेट्स बी 3000 वोल्ट, ठीक है भाई, ये सब हमें गिवन है, इसके बाद हम बाद में पढ़ेंगे। क्वेश्चन देखो फर्स्ट पार्ट क्या कर रहा है, फर्स्ट पार्ट कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर बिफोर प्लेसिंग द सीट, सीट प्लेस करने के बाद में बैंड इतने थिक सीट इंसुलेटिंग मटेरियल इज प्लेस बिटवीन द प्लेट द पोटेंशियल डिफरेंस डिग्री इज 2, लेकिन बिफोर कह रहा है ना, तो बिफोर कह रहा है तो सॉल्यूशन कर रहे हैं फर्स्ट, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर बिफोर प्लेसिंग द सीट, प्लेसिंग द सीट मतलब सीट प्लेस नहीं करके यहाँ पे क्या है एयर कैपेसिटेंस, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का हम जानते नहीं एप्सिलॉन 0 ओवर डी, एप्सिलॉन 0 की वैल्यू कितनी, सी बराबर एप्सिलॉन 0 ए ओवर डी, एप्सिलॉन 0 की वैल्यू 8.85 और 10 की पावर -12, और प्लेट का एरिया दे रखा है आपको 0.2 मीटर स्क्वायर, और प्लेट सेप्शन दे रखी है डी 0.01 मीटर, ये सब सॉल्व कर लो, देखो इस पॉइंट को हटाएंगे तो 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर, है ना, पॉइंट हटाएंगे तो 100 का मल्टीप्लाई, ठीक है, और ऊपर वाले पॉइंट को हटाएंगे इसको, इस वाले पॉइंट को हटाएंगे तो 10 का मल्टीप्लाई, इस 0 से तो ये 0 कट गया, 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर लें तो 10 और 16 = 17 और 16 = 17, 0.2 लगा तो 2 पॉइंट लगा लिया, और 10 की पावर -11 -12 और एक 0 ये रही, ये 0 से एक -11 हो जाएगा तो 1.77 करें तो 10 की पावर -10 फैरड हो गया, ये एक फर्स्ट पार्ट आ गया, ठीक है। दूसरा कह रहे हैं चार्ज ऑन ईच प्लेट, देखो जब हमें कैपेसिटर का कैपेसिटेंस मालूम है और कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस मालूम है तो चार्ज ऑन ईच प्लेट, चार्ज ऑन कैपेसिटर कह सकते हो आप, इंपोर्टेंट है जो चार्ज होता है, नेट चार्ज ऑन कैपेसिटर तो 0 होता है, चार्ज ऑन कैपेसिटर कह रहा है तो पहली प्लेट पे चार्ज, तो सी इंटू वी, सी कितना है आपका तो 1.77 10 की पावर -10 और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 3000, मल्टीप्लाई कर लो, 3 का मल्टीप्लाई करो पहले 1 × 3 = 21 एक और फिर 21 और 1 = 22, और 3 × 3 और 3 × 2 = 5 है ना, 5.31 इस गलत कर दिया, अरे 1.77 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 कैरी 2 फिर 1 = 21 और 2 = 23 कैरी 2 तो 3 × 5 = 5.31 आएगा, तो 5.31 और 10 की पावर 3 पावर ये रही और 10 पावर ये -7, इतने कूलम चार्ज हो गया, ये सेकंड पार्ट हो गया आपका, ये सेकंड पार्ट हो गया, ठीक है, ये सेकंड पार्ट। अब थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं, थर्ड पार्ट वो क्वेश्चन ही मिटा देता हूँ मैं आपका, ठीक है, चलो अभी नहीं मिटा सकते, थर्ड पार्ट देखते हैं, यहाँ पे देख लेंगे थर्ड पार्ट। अब कह रहा है व्हेन 0.01 मीटर, ये तो क्वेश्चन हो गया था ऐसे, है ना,
when 0.01 meter thick sheet of an insulating material is placed between the plates, the potential difference decreases to 1000 volt. अब इस सीट के बिटवीन अगर हम क्या करें, यहां इसे मिटा के लिखता हूं, क्वेश्चन तो पढ़ लिया ना आपने, ये क्वेश्चन पढ़ लिया ना, इतना मिटा देता हूं, देखो फर्स्ट वाला पार्ट 3000 का है ना, और इसको हटा देता हूं, इससे आगे कह रहा है, फिर कह रहा है नाउ ये पैरेलल प्लेट के पिस्टन बना लिया ऐसे, इसके बीच में ये जो प्लेट सेक्शन डी थी और इतनी टी है, डी और टी बराबर है, इस पूरे में एक डायलैक्ट्रिक मटेरियल भर दिया है, देखो इसकी थिकनेस भी 0.01 है और ये प्लेट सेक्शन भी 0.01 मीटर की, इंसुलेटिंग मटेरियल है पर जिसका डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट हमें पता नहीं है, के है पता ही नहीं, अगला क्वेश्चन तो यही है डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मटेरियल, ये सी की वैल्यू पूछ रहा है, लेकिन इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है, न्यू पोटेंशियल डिफरेंस, जैसे डायलैक्ट्रिक मटेरियल भरा है तो न्यू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस प्लेट्स या बिटवीन द प्लेट्स कह सकते हो, V डैश कितना हो गया है, 1000 वोल्ट रह गया है, ये घट कैसे गया उसका रीजन देते हैं, इतना पहले सर मैं आपको तो ये तो थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करना बेटा, जब आपका ये समझ में आ गया पूरा, अब देखो फिर बाकी का तो क्वेश्चन लिख रहा है, फिर से हटा देता हूँ, ये हटा देता हूँ, 1000 वोल्ट रह गया वो लिख दिया मैंने, क्लियर है, ये वाला फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट हमने कर ही लिया, इसे भी हटा देता हूं, यहां से करना है फिर बताओ इन एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बिटवीन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एयर में क्यू ओवर एप्सिलॉन जीरो ए, और जब मीडियम पुट कर देते तो इन है ना इंसुलेटर या मीडियम, मीडियम पुट करने के बाद कितना हो जाता है इनसाइड द मीडियम क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट ए के, इस जगह पर आप क्या लिख सकते हो, ई एयर लिख सकते हो, ई एयर ओवर के कितना है, पहली बात ये बात समझ में आ गई, अच्छा पोटेंशियल डिफरेंस मीडियम पुट करने से पहले वी था, पोटेंशियल डिफरेंस वी था मीडियम पुट करने से पहले, तो मीडियम पुट करने से पहले लिख रहे हैं एयर में, तो क्या लिखेंगे ई एयर इंटू डी, और एंड मीडियम पुट करने के बाद पोटेंशियल डिफरेंस लिख रहे हैं वी डैश माना है मैंने, वी डैश ये लिखे हैं, तो ई मीडियम इनटू कितनी डिस्टेंस में मीडियम है, अब तो मीडियम जो है टी डिस्टेंस में पूरा, तो टी आएगा भाई, कितनी डिस्टेंस में एयर था मीडियम पुट करने से पहले, डी डिस्टेंस में एयर था तो डी आएगा, कितनी डिस्टेंस में मीडियम है और एयर है, एयर तो बिल्कुल ही नहीं, तो मीडियम ही मीडियम है, ई मीडियम है टूटी आया, इतनी बात समझ में आई, ठीक है, अब इन दोनों का आप डिवाइड कर लीजिए, इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए से इक्वेशन नंबर 2 से मान लीजिए, अगर हम इसका डिवाइड करेंगे, देखो ये थर्ड पार्ट जो मिटा देता हूं इसमें से, ये थर्ड डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ रहा है, ये इसी की बात कर रहा है, अगर डिवाइड कर दें इसका, देखो मैं यहां कर रहा हूं, ठीक है, डिवाइड फर्स्ट डिवाइड बाय सेकंड है ना, फर्स्ट डिवाइड बाय सेकंड, तो v बटे v डैश बराबर, या एक काम करते हैं पहले ई मीडियम की वैल्यू पुट कर दो, ई ए ओवर के इनटू टी, और टी किसके बराबर है, यहाँ टी और डी बराबर है, तो आप डी लिख सकते हो जगह पे ऐसे ऐसे, और इस जगह पर आप लिख सकते हो वी, तो वी डैश की वैल्यू सीधे निकल जाएगी, डिवाइड करने की जरूरत पड़ेगी, वी डैश इज इक्वल टू कितना आ गया, ई ए और इनटू डी की आप लिख सकते हो वी, तो वी ओवर कितना के, क्लियर है भाई, सीधा है, और इसकी जगह पर आपने V लिख दिया तो V की वैल्यू कितनी है 3000 सॉरी, और K की वैल्यू हमें पता नहीं है, और V डैश की वैल्यू कितनी है, V डैश की वैल्यू यहाँ आप देखो V डैश की वैल्यू रखो तो 1000 है, इसकी वैल्यू 3000 है, और K पूछ रहा है इसको धन लिया और तीन डैश में डिवाइड कर दो, तो K जो कर दो कितना आ जाएगा, तीन जीरो से तीन जीरो कट जाएंगे ना, के बराबर थी, तो जो थर्ड पार्ट था हमारा डायरेक्ट्रिक मटेरियल पूछ रहा था तो वो के निकल आया, फिर कह रहा है कैपेसिटेंस आफ्टर प्लेसिंग द इंसुलेटर, इंसुलेट फिट करने के बाद, देखो डी बराबर टी है ना, पूरे में भरा है ना, और पूरे में भरा होता है, तो जो फोर्थ पार्ट पूछ रहा है हमसे कैपेसिटेंस
वो सीधा सीधा हो जाएगा एप्सिलॉन 0 1 के ओवर डी। आप एप्सिलॉन 0 की वैल्यू पुट कर देना, प्लेट एरिया की वैल्यू पुट कर देना, डी की वैल्यू और के की वैल्यू 3, ये सब इसे पुट कर दो, वैल्यू पुट कर दो, सबकी वैल्यू दे देने। सीधा सीधा बहुत इजी क्वेश्चन है ये, बस लंबा सा दिख रहा है इसीलिए घबरा गए हो। सर समझ में आपको यहाँ तक, तो वैल्यू पुट कर देना बस की वजह। इसकी फोर्थ वाला पार्ट है, फिफ्थ पार्ट जो क्या है वो भी बहुत इजी है। एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ डायलेक्ट्रिक पूछ रहा है। देखो इसका नाम, ये फॉर्मूला पढ़ा है आपने, इसका नाम होता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम, इसका नाम होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसका नाम डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये मीडियम पूछ रहा है परमिटिविटी ऑफ डायलेक्ट्रिक, मीडियम तो डायलेक्ट्रिक, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। एप्सिलॉन 0 की वैल्यू हमें मालूम है 8.85 10 की पावर माइनस के 12 एप्सिलॉन 0 की, और के की वैल्यू हमें क्वेश्चन निकाल दिया हमें 3। इसका सर मल्टीप्लाई कर लेना और लिख देना आंसर, ये आंसर ठीक है। ये फिफ्थ पार्ट हो गया, क्लियर है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो एक क्वेश्चन है लास्ट ईयर, द कैपेसिटर हैज चार्ज क्यू ऑन इट वेयर एज, तो एक कैपेसिटर है ये ए, इस पर चार्ज क्यू है, वेयर एज बी अनचार्ज है, यहाँ पे भी ओपन है, ठीक है। दो अलग अलग कैपेसिटर हैं, एक चार्ज है और एक अनचार्ज है। द चार्ज अपीयरिंग ऑन द कैपेसिटर बी, इस पर कितना चार्ज आएगा ये पूछ रहा है। अ लॉन्ग टाइम आफ्टर द स्विच इज क्लोज, लॉन्ग टाइम आफ्टर द स्विच इज क्लोज, इसकी चॉइस भी रखी है, ए चॉइस रखी है 0 कोई चार्ज नहीं आएगा, बी चॉइस रखी है क्यू बाई टू आधा चार्ज आ जाएगा, सी चॉइस रखी है क्यू, और फोर्थ डी चॉइस रखी है टू, ठीक है। सोचिए, जानते हो इसका ये जो कंसेप्ट है, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के प्रिंसिपल, जो हम प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसमें भी लास्ट लाइन जो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, जो मैंने प्रिंसिपल पढ़ाया है ना, उसकी जो सबसे लास्ट लास्ट में पढ़ाया, लास्ट लाइन है, वहां पे इसका आंसर लिखा हुआ है, ठीक है। फिर भी मैं एक बार आपको समझा देता हूँ कि कितना आंसर होगा। मेरे हिसाब से आंसर जो है 0 है। 0 कैसे है अब वो समझते हैं। तो एक बार बताओ, जैसे हम इस स्विच को क्लोज कर देंगे तो ये नेगेटिव पोटेंशियल है आपका और ये अनचार्ज है, और जब दो कंडक्टरों को हम कनेक्ट करते हैं तो चार्ज फ्लो करता है, लेकिन वो करता है जो चार्ज मूव करने के लिए फ्री हो, है ना। जब दो पॉइंटों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आता है तो चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज से, सॉरी हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल मूव करता है, लेकिन कब, जब वो चार्ज मूव करने के लिए फ्री हो। और नेगेटिव चार्ज लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल फ्लो करता है कब, जब वो नेगेटिव चार्ज मूव करने के लिए फ्री हो, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो देखो जैसे कनेक्ट करेंगे तो ये पक्का है कि इसका पोटेंशियल 0 है, अभी अनचार्ज है, और इसका पोटेंशियल नेगेटिव है, तो दैट मीन्स ये इसका पोटेंशियल चार्ज नेगेटिव है तो पोटेंशियल भी नेगेटिव होगा, ये लो पोटेंशियल पर और ये हाई पोटेंशियल पर है, तो पोटेंशियल में तो डिफरेंस है दोनों प्लेटों में, बट ये चार्ज फ्लो नहीं करेगा इधर की तरफ क्योंकि ये बाउंड चार्ज है, मूव करने के लिए फ्री नहीं है, और मूव करने के लिए फ्री नहीं है तो ये बाउंड चार्ज कैसे है, तो ये जो पॉजिटिव प्लेट है ना, इस नेगेटिव चार्ज को बाउंड करके रखा है उसने, इसलिए ये नेगेटिव प्लेट इस, ये पॉजिटिव चार्ज, ये जो प्लेट की जो पॉजिटिव चार्ज है, इस नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्शन है ना इनके बीच में, इस पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज के बीच में अट्रैक्शन है ना, तो ये नेगेटिव चार्ज फ्लो नहीं कर सकता, समझ में आया। और अट्रैक्शन है तो नेगेटिव चार्ज फ्लो नहीं करेगा, और नेगेटिव चार्ज फ्लो नहीं करेगा तो हम ये कहेंगे कि इस पर कोई चार्ज आएगा नहीं कितने भी टाइम तक ये कनेक्ट रहे, तो ये बाउंड चार्ज है, ये वाला जो चार्ज है हम ये कहेंगे कि ये बाउंड चार्ज है, ये वाला चार्ज बाउंड है, मूव करने के लिए फ्री नहीं, इसीलिए इस पर चार्ज कितना रहेगा 0 रहेगा, ठीक है। ये इस तरह से आंसर लिख सकते हैं। तो आंसर कैसे लिखेंगे बताता हूँ, देखो मैंने आंसर लिख दिया है कि व्हेन स्विच एज क्लोज्ड देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ नेगेटिव चार्ज, ये वाला नेगेटिव चार्ज ट्रांसफर नहीं होगा कैपेसिटर की नेगेटिव प्लेट से बी प्लेट की तरफ, नो ट्रांसफर ऑफ नेगेटिव चार्ज फ्रॉम नेगेटिव प्लेट ऑफ कैपेसिटर ए टू कैपेसिटर बी, क्यों नहीं होगा, एज द चार्ज नेगेटिव, तो नेगेटिव चार्ज है ये वाला, बाउंड बाय द पॉजिटिव चार्ज ऑफ प्लेट ए, ऑफ प्लेट ए। देखो मैंने एक क्वेश्चन और लिखा है,
ये मैंने जो लेक्चर नंबर कैपेसिटेंस के 15 लेक्चर में आपको मैंने किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करना सिखाया था, उससे क्वेश्चन होगा ये। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक और करामा ऐसा ही, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। ठीक है, क्या कह रहा है, एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस 4 माइक्रोफेड है और ये इस सर्किट में कनेक्ट है इस तरह से। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी, तो ये नया वर्ड आया, आपने पहली बार सुना हुआ अभी तक, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी। देखो ये भी सेकंड यूनिट में आएगा कि इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी। तो देखो ये बैटरी है मेरी, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस ये सेल के अंदर होता है, लेकिन मैं इसे यहां बना देता हूं। डायग्राम में गिवन नहीं होगा, जब क्वेश्चन आएगा तो बस क्वेश्चन में बोल दिया, आप यहां बना सकते हो, लेकिन ये सेल के अंदर होता है। यहां बना दिया, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 0.5 ओम, इसे स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, इसका रेजिस्टेंस रखा 0.5 ओम। The amount of charge on the capacitor plate will be, capacitor पे कितना चार्ज है ये पूछ रहा है, चार्ज दे रखी है। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो एक बात बताओ पहले, जैसे ही ये बैटरी हम कनेक्ट करेंगे तो जानते जैसे ये सेल है तो ये कैपेसिटर चार्ज होगा, और ये जब कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाएगा तभी तो चार्ज पूछेगा, चार्ज ऑन कैपेसिटर पूछे चार्ज फुली चार्ज, और जब चार्ज फुली चार्ज जाता है कैपेसिटर तो उसमें करंट फ्लो नहीं करती है। ये ऐसा भी मैंने पीछे अपने लेक्चर्स में कैपेसिटर्स के लेक्चर्स में आपको समझाया है कि जब कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाता है उसमें करंट क्यों फ्लो नहीं करती है, एक क्वेश्चन भी लिखाया था मैंने आपको। ठीक है, उसे चेक कर लेना आप पीछे थ्योरी को, पीछे के लेक्चर देखिए पहले कैपेसिटर्स के पूरे, तभी क्वेश्चन करना। ठीक है बेटा, तो देखो ये जो है कैपेसिटर जब फुली चार्ज हो जाएगा तो इसमें करंट फ्लो नहीं करती कैपेसिटर्स में, ये इंपॉर्टेंट वर्ड। तो देखो हम यही कंसीडर करके चलेंगे, कैपेसिटर फुली चार्ज है तो ये को यहां से करंट निकले, तो ये कैपेसिटर फुली चार्ज हो गया, इसमें फुली चार्ज हो गया, ये प्लस का ये माइनस का, तो इसमें करंट नहीं जाएगी, कैपेसिटर में करंट फ्लो नहीं करती है जब वो फुली चार्ज हो जाता है, इसको स्टडी स्टेट बोलते हैं। स्टडी स्टेट में कैपेसिटर में कोई करंट फ्लो नहीं करती, दैट मीन जैसे कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाएगा तो करंट नहीं फ्लो करेगी, चार्ज करंट ऐसे आएगी ऊपर जाएगी, कैपेसिटर डीसी को ब्लॉक कर देता है, आप ये समझ सकते हो कि कैपेसिटर डीसी को ब्लॉक कर देता है, तो ये करंट ऐसे ना जाके नीचे आए सारे के सारे, तो ये करंट ऐसे आई ऐसे, और जितनी पॉजिटिव टर्मिनल से करंट लीव करती है नेगेटिव टर्मिनल में उतनी ही करंट एंटर करनी चाहिए, ये कंसेप्ट है। तो ये करंट ऐसे आ रही आई, ये करंट ऐसे आई और ये वापस आ रही। आप देखो यहाँ पे आप एक काम कर सकते हो कि यहाँ पे एक पॉइंट डाल दो आप ए, और यहाँ पे एक पॉइंट डाल दो बी, यहाँ पे एक पॉइंट डाल दो एन, है ना, कुछ भी डाल दो कहीं कभी, जैसे यहाँ पे एक डाल दो पी ऐसे। तो सबसे पहले आप इस करंट को निकालो, ये करंट लेटी तो करिए आपने, तो इस करंट को निकाल लो। सर करंट कैसे निकाल ले, तो मैंने आपको किरचॉफ्स लॉ में एप्लीकेशंस बताए हैं करंट निकालने का, और करंट निकालने का लॉ था कि जिस पॉइंट चले उसी पॉइंट पर वापस आ जाए अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लॉ। तो मैं चल रहा हूँ इस क्लोज लूप में, मैं यहाँ पे के डाल देता हूँ, यहाँ पे एल डाल देता हूँ, तो क्लोज लूप सॉल्यूशन कर रहा हूँ, क्लोज लूप, क्लोज्ड लूप पी के एल एम पी, क्लोज लूप पी पी के एल एम पी, और जिस पॉइंट चलते हैं उसी पॉइंट पर वापस स्टॉप होंगे। तो मैंने शुरू कर दिया पोटेंशियल लगाना बीपी, किरचॉफ्स लॉ लगाना शुरू किया, पी पॉइंट चलना चल गया तो उस पॉइंट का पोटेंशियल लिख दिया, माइनस करंट की डायरेक्शन चलते हैं रेजिस्टेंस में तो माइनस आता है, करंट इंटू रेजिस्टेंस आता है, करंट इंटू रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम, आई इंटू आर, तो आर कितना है 2 ओम, फिर ऐसे चल रहे हैं। यहाँ पर भी हम करंट की डायरेक्शन चल रहे हैं रेजिस्टेंस में, हम ऐसे गए तो करंट फ्लो कर रहा है ऐसे, तो हम ऐसे चल रहे हैं, करंट की डायरेक्शन भी ऐसे फ्लो कर रही है तो चल भी ऐसे रहे, तो फिर माइनस आएगा करंट इंटू रेजिस्टेंस, तो करंट तो कितना है आई और रेजिस्टेंस कितना है 0.5 ओम, 0.5 आई इंटू आर। लेकिन सेल में जब चलते हैं तो करंट की डायरेक्शन से नहीं देखते, फिर किसे देखते हैं नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव से पॉजिटिव चलते हैं तो प्लस आता है और वोल्टेज आता है 2.5, इज इक्वल टू लगाते हैं इसी पॉइंट पर स्टॉप हो रहे हैं तो इज इक्वल टू लगाते हैं इस पॉइंट पर स्टॉप कर देते हैं। अब पहले कैपेसिटेंस का लेक्चर नंबर 15 चेक कर लेना, तब क्वेश्चन देखना है इसको। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं।
देखो बीपी से तो बीपी कैंसिल हो गया, इस ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, इसको दर ले जाएंगे तो 2.5 आई हो जाएगा, 2i और 0.5i और दोनों नेगेटिव नेगेटिव उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा तो इज इक्वल टू 2.5, तो i इज इक्वल टू आ गया 1 एंपियर, जैसे कर दिया i इज इक्वल टू 1 एंपियर, ठीक है। अब हमसे तो क्या पूछ रहा था, पोटेंशियल डिफरेंस सॉरी चार्ज पूछ रहा था इस कैपेसिटर के अक्रॉस, इस कैपेसिटर के अक्रॉस अगर चार्ज पूछ रहा है तो इसी कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लें, इसी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस हमें पता ही है 4 माइक्रोफैरड, अगर हम इसी कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस भी निकाल लेंगे तो हम इसी कैपेसिटर का अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लें तो इसी कैपेसिटर का चार्ज निकल आए। सर इस कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालें, देखो इसकी एक प्लेट डायरेक्टली ए से है, दूसरी प्लेट डायरेक्टली बी से है, अगर हम ए और बी का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लें तो इस कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस भी ए और बी के पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होगा। सर ए और बी का पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालें, तो एक पॉइंट ए से चलें और बी पर स्टॉप कर दें। अब ए से बी चलने का तरीका एक तो ये है लेकिन इसमें चार्ज ही नहीं मालूम, तो ऐसे नहीं चलेंगे, ए से बी नहीं चलेंगे, ऐसे नहीं चलेंगे क्योंकि इस कैपेसिटर पर चार्ज नहीं मालूम, चार्ज ही निकालना है हमें, इसीलिए ए से बी चलने का एक तरीका तो यह है कि मैं ऐसे ए से बी ऐसे आऊँ या फिर नीचे से आऊँ, अब किसी भी पास से चल के देखना आंसर एक ही आएगा। जैसे मैं पाथ चुनता हूँ नाउ, आगे मैं पाथ ले रहा हूँ कि पाथ मैंने लिया ए पी एम बी, ये वाला पाथ लिया पहले मैंने ए पी एम बी, मतलब ऐसे चल के आ रहा हूँ बी पर, तो सब शुरू करता हूँ बी ए चल के आ रहा हूँ, प्लस से माइनस चलते हैं तो माइनस आता है 2.5, करंट की अपोजिट डायरेक्शन चल रहा है, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, करंट की अपोजिट डायरेक्शन चल रहा है तो प्लस आता है करंट इनटू रेजिस्टेंस आई इनटू 0.5 ऐसे आ रहा है। अब इसमें तो करंट ही नहीं फ्लो कर रहा है, इसमें कोई करंट नहीं है तो ये रेजिस्टेंस यूजलेस है, अब लिखेंगे तो करंट इनटू रेजिस्टेंस लिखते तो करंट ही जीरो है, इस ब्रांच में कोई करंट ही नहीं है तो करंट इनटू रेजिस्टेंस लिखेंगे तो ये रेजिस्टेंस जीरो ही हो जाता पूरा। अब इस पॉइंट पर स्टॉप कर रहे हैं तो बी भी बी पॉइंट पर स्टॉप कर रहे हैं तो बी पॉइंट का पोटेंशियल लिख दिया हमने, ठीक है ठीक है। आगे बढ़ाते हैं, अब इसको इधर ले आओ आप तो वी ए माइनस के वी बी इज इक्वल टू 2.5, इसको इधर ले जाओ माइनस का 0.5 और आई की वैल्यू कितनी है 1 एम्पियर, आई बराबर 1 एम्पियर लिख दिया तो घटाएंगे तो 2 वोल्ट तो आएगा। ये पोटेंशियल डिफरेंस, इसका नाम क्या है पूरे का, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी है ना, ऐसे ये तो ना चार्ज ऑन सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर, प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, ये क्यों, क्योंकि इस कैपेसिटर की एक प्लेट डायरेक्टली ए से है, दूसरी प्लेट डायरेक्टली बी से है, तो ए और बी का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही इस कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो ए और बी का पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट है तो कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस भी 2 वोल्ट होगा, हेंस चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, चार्ज ऑन कैपेसिटर सॉरी चार्ज ऑन कैपेसिटर क्यू बराबर सी वी, सी कितना है आपका 4 माइक्रोफैरड और वी कितना है 2 8 माइक्रोकूलम चार्ज, चॉइस हो गई 8 माइक्रोकूलम, क्लियर है, ये आंसर हो गया इसका। एक और क्वेश्चन लिख लिया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का, ठीक है। इन द स्टडी स्टेट ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर्स, ये कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है प्लेट्स के, और चार्ज ऑन कैपेसिटर पूछ रहा है, इस कैपेसिटर पर कितना चार्ज है, इसका कैपेसिटेंस सी गिवन है, ठीक है। तो स्टडी स्टेट का क्या मतलब है, जानते हैं जब कोई कैपेसिटर स्टडी स्टेट में पहुंच जाता है तो इसका मतलब है कि कैपेसिटर फुली चार्ज हो गया है, फुली चार्ज होने का क्या मतलब है कि कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस उस सोर्स के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर हो गया है जिसने उस कैपेसिटर को चार्ज किया है, और जब पोटेंशियल डिफरेंस बराबर हो जाते हैं तो चार्ज फ्लो नहीं करता है, ठीक है ये वाली बात समझ में आ रही, और चार्ज फ्लो नहीं करता तो करंट फ्लो नहीं करती तो उस कैपेसिटर में करंट कंडक्ट नहीं करेगी। देखो इसका एक पूरा लेक्चर मैंने एक लेक्चर पीछे कैपेसिटर का एक लेक्चर है जिसमें मैंने आपको कैपेसिटर को
स्टेडी स्टेट के बारे में समझाया है कि स्टेडी स्टेट में जब चार्ज कैपेसिटर चार्जिंग प्रोसेस में होता है, फुली चार्ज नहीं होता, तब तो कैपेसिटर में करंट कंडक्ट करती है। लेकिन जैसे ही कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाता है उसके बाद करंट कंडक्ट करना बंद हो जाती है। तो ये वाली बात मैंने पीछे लेक्चर में एक्सप्लेन करी है, उसमें आप चेक करिए पहले अगर ये पॉइंट आपका डाउट है तो। अगर डाउट नहीं है तो ये पॉइंट सुनिए। ड्यूरिंग द स्टेडी स्टेट द कैपेसिटर इज फुली चार्ज सो देयर विल बी नो करंट फ्लो थ्रू द आर्म बी ऑफ द सर्किट। ये कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाएगा तो इस आर्म में कोई करंट फ्लो नहीं करेगी। ठीक है, चलो आगे शुरू करते हैं, क्वेश्चन का शुरू करते हैं। ये बात समझ में आई आपको? तो देखो एक पॉइंट और आपको नोट करना है इसमें। मैं वैसे पीछे बता चुका हूँ फिर भी एक बार बता देता हूँ कि जैसे ये सेल है ये पॉजिटिव टर्मिनल है नेगेटिव करंट के सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से जितनी भी करंट लीव करती है नेगेटिव टर्मिनल में उतनी ही करंट एंटर करनी चाहिए। नंबर एक ये करेक्ट है। दूसरा, सेल एक वायर है, उस वायर में एक वायर में एक डायरेक्शन में एक ही सिंगल वायर की बात कर रहे हैं जहां जॉइंट वॉइंट नहीं है, उसमें एक ही मैग्नीट्यूड का और एक ही दिशा में करंट फ्लो कर सकता है, एक करंट है। तीसरे पॉइंट की बात कर रहे हैं, अगर कोई आपका ऐसे करंट है अपोजिट दिशा में ये पॉसिबल नहीं। फोर्थ, ऐसा भी नहीं है कि एक ही दिशा में हो लेकिन करंट के मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो, ऐसा भी नहीं, ये भी गलत है। ठीक है, ये वाला पॉइंट नोट कर लेना। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। ये हमेशा करंट के डिस्ट्रीब्यूशन करने में काम आएगा। तो देखो ये सेल तो करंट निकाल नहीं सकता क्योंकि ये फुली चार्ज हो जाएगा तो इसमें कैपेसिटर में करंट ब्लॉक हो जाएगी, कैपेसिटर करंट कंडक्ट नहीं होने देगा आगे। ठीक है, तो ये करंट नहीं निकालेगा। अब बचे ये सेल और ये सेल, ये सेल और ये सेल। देखो अगर ये करंट निकाले तो इसमें आई वन करंट निकाल दी सपोज करो, ये करंट निकाले आई टू, यहाँ पे आई वन आई और यहाँ पे आई टू, ये इधर तो जा नहीं सकती क्योंकि कैपेसिटर में करंट ही कंडक्ट नहीं करता, करंट फ्लो ही नहीं करता। तो ये करंट देखो इधर से भी आ रही है उधर से भी, तो एक सिंगल वायर में करंट की कितनी डिशन हो गई? दो, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसीलिए इन दोनों सेलों में से कोई एक सेल ही करंट निकाल सकता है। तो ये तक कौन सा सेल करंट निकालेगा, किसको सेल को प्रायोरिटी दें हम? तो ये टू भी, इसका पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस कम, तो ये सेल ज़्यादा पावरफुल है एज कम्पेयर टू ये, तो इसको प्रायोरिटी देंगे कि मान लो इसने कितनी करंट निकाली आज, इसने कितनी निकाली आज, ये सेल करंट कंडक्ट नहीं करेगा, निकालेगा। ठीक है, एक करंट चलिए आगे। और देखो इसके पॉजिटिव टर्मिनल से करंट आई निकल रही है और करंट आई ही एंटर कर रही है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो ये करंट लैग करेगा तो सबसे पहले इस करंट की आई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब आई की वैल्यू कैसे निकालें? तो देखो मैंने पीछे लेक्चर नंबर 15 में आपको क्रचॉफ्स लॉ कैसे अप्लाई करें और उस क्रचॉफ्स लॉ की हेल्प से आप क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हो वो मैंने एक्सप्लेन किया है। पहले उस लेक्चर को देखें अगर ये लेक्चर आप कर रहे हो तो, ठीक है, देख रहे हो तो। ठीक है, तो देखते हैं पहले हम करंट कैसे फाइंड आउट करते हैं अकॉर्डिंग टू क्रचॉफ्स लॉ। तो मैं लिखूंगा अकॉर्डिंग टू क्रचॉफ, सेकेंड लॉ होता है, किस लूप में लगा रहे हैं? कोई सा भी लूप ले रहे हैं, जैसे हम लूप लगा रहे हैं ए से शुरू कर रहे हैं, ए बी ए सी लिख देता हूँ डायरेक्ट, ए सी डी एफ ए, ए सी डी एफ ए ऐसे, इसमें तो कंट्रोल कर रही है इस वाले ब्रांच में, तो ए से स्टार्ट कर देते हैं, तो ए से ए का पोटेंशियल लिख देते हैं, क्रचॉफ लॉ लगाते हैं तो वी ए चलना शुरू करा, ऐसे चल रहे हैं ऐसे। ठीक है, ऐसे प्रूव करते हैं ऐसे। तो नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल चलते हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव चलते हैं तो प्लस आता है, टू भी लिख रहा है तो टू भी आ गया, करंट की डायरेक्शन चलते हैं करंट की दिशा में तो नेगेटिव आता है। ये मैंने पीछे पढ़ाया है लेक्चर नंबर 15 में, साइन बताया है, रूल्स बताए हैं, कैसे अप्लाई करते हैं ये समझाया, कैसे ये क्या क्रचॉफ लॉ की हेल्प से क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हैं ये एक्सप्लेन किया है। तो करंट और रेजिस्टेंस का मल्टीप्लाई कर लो, माइनस आएगा करंट इनटू रेजिस्टेंस, हुआ करंट इनटू रेजिस्टेंस, यहाँ आ गए, करंट की डायरेक्शन चले तो माइनस आता है, तो माइनस करंट इनटू रेजिस्टेंस आई इनटू आर। इसमें करंट की डायरेक्शन नहीं चेक करते, इसमें देखते हैं प्लस टू माइनस चल रहे हैं तो प्लस टू माइनस चलते हैं तो माइनस आता है, तो माइनस वी। यहाँ पे देखो हम ऐसे चल रहे थे माइनस से प्लस तो प्लस के आया था, यहाँ प्लस से माइनस चल रहे तो माइनस आया, जिस पॉइंट पर स्टॉप करेंगे उस पॉइंट का पोटेंशियल लिख देंगे इक्वल लगा के, तो वी ए से तो वी ए कट गया, देखो
ये और ये उधर लेगा तो 3IR हो गया, 3IR, इसको इसको उधर लेगा तो प्लस का ऐड होगा 3IR, और 2B में से एक भी गया तो B बचा, यहां से I निकल के आया V ओवर 3R। कितनी करंट फ्लो कर रही है भाई इसमें? लेकिन हमें करंट तो फाइंड आउट नहीं करना सर। लेकिन हाँ, करंट तो फाइंड आउट नहीं करना। चलो आगे देखते हैं। अब ये करंट निकाल लिया तो देखो इस कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है ना, तो एक पॉइंट डाल देता हूँ यहाँ पे एम। ये तो इस प्लेट का, इस कैपेसिटर की प्लेट का, ये वाली प्लेट इस एम पॉइंट से कनेक्टेड है और ये वाली प्लेट इस नेगेटिव ई पॉइंट से कनेक्टेड है। तो एम और ई के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वी, वी पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन पॉइंट एम एंड ई। वी पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन पॉइंट एम एंड ई, और इसकी एक प्लेट डायरेक्ट एम से और दूसरी प्लेट डायरेक्ट ई से है। तो इस वी का नाम देखो, वैसे तो वी का जो नाम है, वी का जो नेम है वो है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन। पोटेंशियल डिफरेंस हमसे दो पॉइंट्स का होता है, तो कौन से दो पॉइंट्स का है? पॉइंट्स एम एंड ई, और इसकी एक प्लेट डायरेक्टली एम से और दूसरी प्लेट डायरेक्टली ई से है, इसीलिए इसका नाम लिख सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर सी। इस कैपेसिटर का भी पोटेंशियल डिफरेंस भी है। अगर हम एम और ई के अक्रॉस पोटेंशियल, और इसे लिख ऐसे भी सकते हैं वी एम माइनस वी ई। वी एम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट एम का, और ई वी ई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है एट पॉइंट ई का। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक पॉइंट का होता है, ठीक है आगे बढ़े। ठीक है आगे सुनते हैं। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है तो एक पॉइंट से स्टार्ट करें, अगेन अगेन किरचॉफ लॉ, किरचॉफ कौन से पाथ के लिए लगा रहे हैं? तो पाथ लगा रहे हैं, देखो एम से चलना स्टार्ट करें ई पे खत्म करें, तो ऐसे तो चल नहीं सकते क्योंकि उस कैपेसिटर पर कितना चार्ज है मालूम ही नहीं है। तो हम एम से ई चलने का एक पाथ तो ये चला सकते हैं हम एम से ई, और एक एम से ई ऐसे चला सकते हैं। तो दो पाथ हैं एम से ई चलने के, या तो आप एम से ई ऊपर वाले पाथ से जाइए या एम से ई नीचे वाले पाथ से जाइए, किसी से भी चले जाइए आंसर सेम आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ आपको? तो मैंने पाथ चुन लिया ऊपर वाला, तो एम बी ए एफ ई मैं इस वाले पास से आ रहा हूँ और ऐसे चल रहा हूँ एम से शुरू करता हूँ। तो वी एम शुरू कर दिया, ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस टू माइनस चलते हैं तो क्या आता है? माइनस आता है, तो माइनस के भी ऐसे चले, माइनस से प्लस चल रहे हैं, माइनस से प्लस चले तो प्लस आता है कितना? वी माइनस से प्लस वी। करंट के अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं तो प्लस आता है आई आर इज इक्वल टू कितना? वी एम सॉरी वी ई। देखो इससे तो ये कैंसिल हो, तो इसको उधर ले आए, तो वी ई माइनस वी एम इज इक्वल टू आ गया आई आर। तो देखो यहां पर वी ई माइनस वी एम पॉजिटिव आ रहा है, इसका क्या मतलब है? ये पॉजिटिव तो आया, इसका मतलब है कि ई पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा है और एम पॉइंट का पोटेंशियल कैसा है? कम। तो ई पॉइंट हाई पोटेंशियल पर है और ये एम पॉइंट लो पोटेंशियल पर है, बस यही मतलब है। ठीक है आगे जरा देखते हैं। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया बिटवीन पॉइंट ई एंड एम, ई एंड एम, और ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया बिटवीन ई एंड एम, ई एंड एम, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस कैपेसिटर। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस प्लेट ऑफ कैपेसिटर, प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, ये आंसर हो गया। कितना आई की वैल्यू कितनी निकाली है आपने? जो लेट करी थी आई लेट की, तो उसकी वैल्यू निकाल ली है वी ओवर थ्री आर मल्टीप्लाई आर, तो आर से आर कट गया, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट कितना आया? वी बाई थ्री। एक आंसर तो ये हो गया, ठीक है ना, फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पूछ रहा है चार्ज ऑन कैपेसिटर, तो देखो इस कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस है, इसी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है, तो चार्ज ऑन कैपेसिटर तो बड़ा आसान है, चार्ज ऑन कैपेसिटर क्यू बराबर सी वी, इसी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस और इसी कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस, इसी कैपेसिटर का चार्ज, तो सी तो सी है, वी की वैल्यू निकाल ली मैंने, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर ये मैंने मान लिया वी डैश, वी नहीं मानिए इसे वी डैश मानिए, कितना मानिए इसे वी डैश या वी एम ई मान लो एम ई, तो आप इसे लिख सकते हो वी एम ई, तो आप देखो वी एम ई, क्योंकि वी बेटा यहाँ पे दे रखा है ना बैटरी का, समझ आपको? तो सी वी एम ई कितना आया है? वी बाई थ्री, वी बाई
इतना चार्ज होगा कैपिटल पर, इतना चार्ज होगा कैपिटल पर। क्लियर है, ये बात समझ में आई? ठीक है, ये कंप्लीट हो गया है। कल हम न्यू यूनिट शुरू कर रहे हैं, सेकेंड यूनिट। ठीक है, थैंक यू भाई।